हाय गाइस, मैं सुनील एग्जाम 100 चैनल से आप सभी के लिए क्लास 10th का प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आपको सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करना है इसमें, माना हमने क्या कर दिया इसको, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो होती है वो पी बटे क्यू के रिस्पेक्ट में लिखी जाती है। किस फॉर्म में, पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखी जाती है। क्योंकि पी एवं क्यू एक पूर्णांक संख्या है। क्या एक पूर्णांक, पी एवं क्यू क्या है, एक पूर्णांक संख्या। ठीक है, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू की वैल्यू कभी जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। और पी एवं क्यू एक सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। पी एवं क्यू क्या है, एक सअभाज्य संख्या है। अब इसको क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसके वन करके इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस नंबर का इसके साथ इंटू करिएगा, 7√5 इंटू क्यूब इजकल टू पी। ठीक है, ये क्या होगा, इस बार जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म में जाएगा। क्या जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में, तो √5³ इजकल टू p/7, इतना हो गया। ये इसका क्या है, फैक्टर है, गुणनखंड है, और ये इस पर जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म में जाएगा, तो √5 इजकल टू p/7³, p/7³ लिखिएगा फिर। अतः p/7³ एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी क्या होगा, √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है, इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त, इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है, लेकिन लेकिन वास्तव में लेकिन वास्तव में 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय लेकिन वास्तव में 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6√5, क्या 6√5 है। क्वेश्चन नंबर थ्री दिया है 6√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, 6√2। तो आपको करना क्या पड़ेगा, माना 6√2 एक परिमेय संख्या है। जब हमने इस संख्या को परिमेय संख्या मान लिया तो परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाती है। किस रूप में, पी बटे क्यू। तो 6√2 इजकल टू पी बटे क्यू। पी एवं क्यू एक पूर्णांक संख्या है, क्या है, एक पूर्णांक संख्या। पी एवं क्यूब क्या है, पूर्णांक संख्या है, और क्यूब नॉट इक्वल टू जीरो, क्यूब की वैल्यू जो होगी वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे आप, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। पी एवं क्यूब एक सअभाज्य संख्या है, पी एवं क्यूब क्या है, एक सअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई वन करके इसका इसके साथ इंटू कर देंगे, 6√2 इजकल टू, या फिर इस नंबर को पसंद कर दीजिए, पुष्पा बराबर पुष्पा, ये 6 चला जाएगा तो -6 हो जाएगा।
ठीक है। तो रूट टू इजकल टू पी माइनस, इसका एलसीएम कैलकुलेट कर देंगे तो 6 क्यूब डिवाइड बाई क्यूब इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब लिख लीजिएगा, अतः पी माइनस 6 क्यूब डिवाइड बाई क्यूब एक परिमेय संख्या है। क्या एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है, इसलिए इसलिए अंडर रूट टू भी परिमेय संख्या होगा। इसलिए अंडर रूट टू भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है, लेकिन वास्तव में 6 प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, इसके बगल में बेल आइकन का बटन रहता है उसको जरूर प्रेस करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।